ओम शांति। आप सब एक अनोखे अलौकिक अद्भुत समागम में भाग ले रहे हैं। आपने विवाह तो अनेक प्रकार के देखे होंगे, हाथों से संपन्न भी किए होंगे, परंतु ऐसा विवाह जिसमें सर्वंश त्याग हो, गहरी तपस्या हो और सर्वंश समर्पण हो, ऐसा विवाह देखा। आजकल तो सुनने में आता है कन्या की शादी होती है, जाती है और एक घंटे के बाद भाई को फोन करती है, भाई मेरे को यहाँ से ले जाओ। ये सच्ची घटना बता रही है। लेकिन इस विवाह में ये कुमारियां जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत प्रवीण, अपने साथ अपनी योग्यताओं को, विशेषताओं को, कलाओं को, गुणों को भी शिव बाबा की सेवा में अर्पित कर देते हैं। दुनिया में लोग कहते हैं छोटी छोटी कन्याएं इतनी छोटी सी आयु में अपना सब कुछ समर्पण कर देती है। इन्होंने दुनिया क्या देखी है, इन्होंने दुनिया खूब देखी है। खूब देखने के बाद ही ये कदम लिया है, क्योंकि उस संसार में जो दुखमय संसार है, जिस संसार में कोई रस नहीं रहा है, जहां विवाह को भी वो महत्व नहीं दिया जा रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट के माफिक हो गया, इन बच्चियों ने बहुत सोच समझ कर कदम उठाया है। और शिव बाबा ने भी बहुत सोच समझ कर इनको अपनाया है। आप कहेंगे क्यों? प्रजा पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय यूं ही किसी कन्या को समर्पित नहीं करता। आपको पता हो एक कन्या जो 100 ब्राह्मणों से उत्तम है उसकी परख की जाती है कि ये कन्या आध्यात्म मार्ग पर चलने योग्य है या नहीं। जब वो कुमारी सेवा केंद्र पर आती है अपने माता पिता के साथ, उसी समय उसकी चाल चलन से हम समझ जाते हैं इसको इस पथ पर चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ये आध्यात्मिक है और सब कोई आध्यात्मिक नहीं होते। आगे चलकर ये कन्या पश्चाताप करे वो ये इंस्टीट्यूशन नहीं चाहता, इसलिए कन्या की परख होती है। परखने के पश्चात फिर इसकी माउंट आबू में ट्रेनिंग होती है। माउंट आबू की ट्रेनिंग में और गहरा पता लगता है। अगर कन्या उससे पार होती है फिर उसे भिन्न भिन्न स्थानों पर रख करके देखा जाता है कि सबके साथ मिलजुल करके चलने की आदत है या नहीं है, अपनापन तो नहीं है, अपनी मर्जी की मालिक तो नहीं है,
ये सब चीजें परखी जाती है। और 5 साल के बाद जब कन्या के अंदर ये सब बातें एक्यूरेट होती हैं, पास होती है, तब हम उसका समर्पण करते हैं। चलते चलते अगर किसी का मन करे कि मैं ये लाइफ नहीं जी सकती, तो कोई बधाई मानी नहीं है। ये विशेष चीज कि माता पिता से, अपने भाई बंधुओं से संबंध तोड़ा नहीं जाता है। ये हमारे भाई बहन हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम, परंतु वो संबंध अलौकिक हो जाते हैं। जैसे कन्या की शादी होती है, दूसरे घर जाती है, रोज दिन बैठ कर के अपने घर का बखान नहीं करती, नए घर में एडजस्ट होती है। इसी रीति ये कुमारियां स्वयं को नए स्थान पर जहां इनको भेजा जाए वहां जाने को तैयार। जो इन्होंने बीड़ा उठाया है वो कम नहीं है। इस कलयुगी दुनिया में स्वयं को कीचड़ से बचा के रखना और न केवल स्वयं दूसरों को भी कीचड़ से बचाना, ये इन कन्याओं ने बीड़ा उठाया। और द्रौपदी ने कहा था कि जब तक मैं अपना स्वराज नहीं ले लूंगी तो चैन की नींद नहीं सोऊंगी। इन कन्याओं ने भी ये संकल्प किया है, आराम हराम जब तक दैवी स्वराज की स्थापना नहीं हो जाती तब तक हम सुख और चैन की नींद नहीं सोते। इनका भाग्य आशा बहन बता रही थी, और कन्या की मैं जब लाइफ देखती हूँ तो शुरू दिन से वो पैदा होती है तो सिंध में तो खटिया को उल्टा कर देते थे, खटिया ही उल्टा कर देते थे कि कन्या पैदा हुई है। लेकिन आज वो समय नहीं है, लेकिन माँ के दिल में इतना जरूर होता है कि ये कर्ज है और इसको एक दिन भेजना है। माताएं ठीक कह रही हैं, एक दिन इसको भेजना है। मैं कहूंगी धन्य है वो माता पिता जिन्होंने समझदारी बरती और इसको एक छोटे से परिवार में ना भेज करके इतने विशाल बेहद के परिवार में भेजा। आपकी कन्या अकेली नहीं है, किसी के एक दो भाई बहन होते हैं, इन कुमारियों के 10 लाख से अधिक भाई बहन। आप अगर भेजते तो इसको एक घर में भेज देते, ज्यादा कोई धनवान होता तो एक फ्लैट लेकर के दे देता, परंतु इन कन्याओं को तो शिव बाबा जिनको इन्होंने वरण है उनके तो 8,500 घर हैं। आप बताओ कितने बड़े मालिक बन गए ना। अच्छा आप एक गाड़ी दे देते, एक कार दे देते, इनसे पूछो इनके पास कितनी कार है, अपनी एक भी नहीं है लेकिन कितनी कार है। इनकी दिव्यता, पवित्रता, सेवा प्रकृति को दासी बना दी है। और इन्होंने
प्रकृति को दासी बनाया। सब भाई बहन सेवा पर उपस्थित होते हैं और जन्मते ही जान आते सार टाइटल मिल जाता है दीदी दीदी दीदी। और क्या चाहिए, इस वीर कुमारियों का भाग्य भी बहुत उज्ज्वल है। तो मैं यही कहूंगी कि जो हमें भाग्य मिला इन कन्याओं को, मैं ये कहूंगी जो भाग्य आपको मिला, जितना मिला वो आपका मूल है। आपने उस मूल से पदम गुणा अपने भाग्य को चमकाना है, ये आपका कार्य है। अपने भाग्य को कैसे चमकाएंगे आप, वो आपको शिक्षा मिलती है। अंग्रेजी में कहा जाता है दुनिया में गॉड इज ए जेलस लवर, गॉड इज ए जेलस लवर, यानी परमात्मा को ये प्रिय नहीं है कि मेरी सजनी कहीं और किसको देखे। इसलिए परमात्मा कहता है मुझे अव्यभिचारी बुद्धि चाहिए। इनका परिवार भी ऊंचा है, इनकी कार्य भी ऊंची है, इनका लक्ष्य भी ऊंचा है, इनकी सेवा भी बहुत ऊंची है। अरे दुनिया में कोई रोटी कपड़ा मकान जुटा देगा, आजकल रोटी खिलाने वाले कपड़ा देने वाले ये भी बहुत है, लेकिन इन्होंने वो कार्य चुना है जो कोई नहीं करता, जो शिव बाबा ही करता है और शिव बाबा की साथी बनकर ये वो कार्य करेंगे। मनुष्य के चरित्र का निर्माण करना, नैतिक मूल्यों का निर्माण करना, चरित्र इतना उज्जवल बन जाए जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त हो जाए। ये हमारे शत्रु, इन्होंने ये सेवा ठानी है, तो इनके लिए मैं ये कहूंगी नई उम्र की कलियों तुमको देख रही दुनिया सारा, तुम पे बड़ी जिम्मेवार, घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, घर घर को फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवार। तो मैं यही कहूंगी पहुंच करो खुशियों के झूलों में, झूलो बाबा के संग संग रहो और सेवा पर सदा हाजिर हांजी का पाठ पक्का करते रहो। इन शब्दों के साथ पुनः आप सबको पदम गुणा मुबारक मुबारक।